तो बच्चों, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप देखिए एक चीज आपके सामने है, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मिलियंस ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म क्या है? मेल सेक्स सेल्स को क्या कहा जा रहा है? स्पर्म। मेल गैमेट्स को स्पर्म कहा जाता है और फीमेल गैमेट्स को क्या कहा जाता है? एग या ओवम, है ना? दोनों चीजें याद रखिएगा आप। तो होता क्या है कि यहां पे देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पे देखिएगा जरा ध्यान से, मैं आपको बता दूं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो पहला पॉइंट जो वो बता रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट में क्या कहना चाहता है कि जो मेल गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स यहां से मदर की बॉडी में एंटर करते हैं, मदर की बॉडी में यहां से एंटर करते हैं, सर्विक्स, सर्विक्स से होता हुआ यूट्रस और यूट्रस से होता हुआ फेलोपियन ट्यूब, यहां पे आके रुक जाता है वो। तो अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार ये मेल गैमेट्स के अंदर इतनी एनर्जी कहां से आ गई, कौन से पहिए लगे हुए थे इसके अंदर कि यहां से चलता हुआ मदर की बॉडी में पहले वजाइना के थ्रू एंटर किया, फिर सर्विक्स में आया, फिर यूट्रस में आया और फिर पहुंच गया फेलोपियन ट्यूब में। भाई ऐसी कौन सा इसके अंदर कौन सा इंजन लगा हुआ, क्या चीज इसके अंदर है ऐसी जो इसको यहां तक पहुंचाती है? तो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स एंटर इनटू द वजाइना ऑफ द वुमेन थ्रू पेनिस ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स। तो सबसे पहला काम तो यह है कि मदर की बॉडी में मिलियंस ऑफ स्पर्म एंटर करते हैं, और कितने कितने एग से फ्यूज करना है, एक एग से फ्यूज करने के लिए मिलियंस ऑफ स्पर्म आ रहे हैं, याद रखिए बात इसको, ठीक है? चलिए, मिलियंस ऑफ स्पर्म एंटर कर गए, स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव एंड मोबाइल। क्यों है जी मिलियंस ऑफ स्पर्म, मेल गैमेट क्यों है हाईली एक्टिव और मोबाइल? क्या है ऐसा इसके अंदर कि इनके अंदर इतनी एनर्जी है, इतना न्यूट्रिशन है? आपको पता है, आपने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था कि ड्यू टू फ्लूइड मीडियम एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड बाय द, कौन प्रोवाइड करता है बच्चों? सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल क्या होता है? फूड स्टोरेज, फूड प्रोवाइड करता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। देखिए, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा इसको? फ्लूइड मीडियम और न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर फ्लूइड होता है तो फ्लूइड कैन फ्लो इजीली, और न्यूट्रिशन यानी कि एनर्जी होती है इसके अंदर, यानी कि इस एनर्जी और फ्लूइड मीडियम की वजह से इट एंटर्स इनटू द सर्विक्स, यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब तक, कितना अंदर तक पहुंच पाता है। तो पहला पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि मिलियंस ऑफ स्पर्म एंटर करेंगे और वो स्पर्म कहां पहुंच जाएंगे? फेलोपियन ट्यूब में। ओविडक्ट भी कहा जाता है कुछ कुछ लोगों ने, है ना? तो द स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव एंड मोबाइल, दे मूव अप थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूट्रस, वजाइना, वजाइना के बाद सर्विक्स, सर्विक्स के बाद यूट्रस, यूट्रस के बाद फेलोपियन ट्यूब, यहां तक पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? इसका रीजन मैंने दे दिया है आपको कि फ्लूइड मीडियम और न्यूट्रिशन था, ये किसने प्रोवाइड किया था? ये प्रोवाइड किया था जी सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड ने, ठीक है? हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ा था, ठीक है? उसके बाद आ जाइए, दो पॉइंट क्लियर है बच्चों आपको? प्लीज ध्यान से सर, पहले दो पॉइंट नोट करें। हाँ बेटा, फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है? फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है? फेलोपियन ट्यूब एक पैसेज है, ओवरी जब भी एग रिलीज करती है ना बेटा, ओवरी एग रिलीज करती है, ओवरी ये है ओवरी जी, है ना? ये ओवरी है, ओवरी एग रिलीज करती है, तो जो एग बनाती है ना उसको रिलीज कहां करती है? फेलोपियन ट्यूब में रिलीज करती है। फेलोपियन ट्यूब एक पैसेज है, फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन आगे आप समझने वाले हैं कि जो एग आता है वो भी यहीं आता है, स्पर्म भी यहीं आता है, तो फर्टिलाइजेशन आपका फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। ट्यूब एक पैसेज है, ओवरी से यूट्रस को कनेक्ट करने वाली ट्यूब इज नोन एज फेलोपियन ट्यूब, ठीक है? ओविडक्ट भी कहा जाता है उसको, ठीक है अरुषि, इज इट ओके? यस सर। हाँ, तो पहले दो पॉइंट क्लियर हो जाएं, ये दो लाइंस लिख लीजिए आप, ये मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म को मेल गैमेट्स कहा जाता है, और फ्लूइड मीडियम और न्यूट्रिशन की वजह से दे आर हाईली एक्टिव एंड मोबाइल। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्यों ये इतने हाईली एक्टिव और मोबाइल होते हैं, क्यों ये मूव कर पाते हैं, क्या होता है ऐसा इसके अंदर, ठीक है? हाँ चलिए, एक बार नोट कर ले फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए, वेरी गुड पीयूष, पीयूष यश, समझ में आ रहा है? आर्नव सिक्का, वेरी गुड। वंशिका मिश्रा जी, सब ठीक चल रहा है ना? होमवर्क नहीं सबमिट हो रहा है आपका? वही 20-25 लोग हैं गिने चुने जो सारे तीनों असाइनमेंट में जिनके नाम, गूगल क्लासरूम पे जाइएगा भैया, जो होमवर्क अपलोड हुए हुए हैं प्लीज उनको कंप्लीट करके भेजें, जब तक रिवाइज नहीं करोगे जब तक कैसे काम चलेगा?
सारा काम कर रखा है लेकिन ये पता नहीं चल रहा कैसे भेजू। हाँ तो आप मेरे से बात करिएगा, हम बताएंगे आपको, ठीक है? चलिए हो गया, डन है इतना, ये दो पॉइंट हो गए। चलिए अब क्या होता है, चले वन ऑफ द ओविडक्ट कंटेन्स ओवम, इन दोनों ओविडक्ट, दो ओविडक्ट है बच्चों, दोनों में से दो ओविडक्ट है, यहां पे दो ओवरी होती है, पेयर में काम करती है, दोनों में से एक में एग रिलीज होता है, ठीक है? दोनों में से एक में कहीं ना कहीं या तो इसमें होगा या इसमें होगा, ठीक है? तो मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं, स्पर्म आधे इधर जाते हैं, आधे इधर जाते हैं, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, ठीक है? और यहां पे इन दोनों में से, यहां अगर कुछ भी नहीं मिला तो मिलियंस ऑफ स्पर्म गए, यहां पे आए तो जो सबसे आगे वाला स्पर्म होगा ना, जो सबसे आगे होगा, जो रेस में सबसे आगे होगा, इट विल फ्यूजेस विद द एग, फ्यूज कर जाएगा वो फीमेल गैमेट के साथ। फिर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर बाकी का क्या हुआ, मिलियंस थे बेचारे, क्या हुआ? भाई जो सबसे पहले फर्स्ट जो आया वो फ्यूज कर गया, एग फर्टिलाइज हो गया, अब एग ही नहीं है, एग है ही नहीं, इससे आगे जा नहीं सकते, तो कुछ देर के बाद थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन जो सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड ने दिया था, कुछ टाइम के बाद वो डेड हो जाएंगे, सारे सेल्स मदर की बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ जाएंगे आफ्टर सम टाइम, ठीक है? तो जो सबसे पहला, जो सबसे फर्स्ट स्पर्म होगा, जो सबसे पहला मेल गैमेट होगा, वो फ्यूज करेगा एग के साथ। चलिए, वन ऑफ द ओविडक्ट कंटेन्स ओवम रिलीज बाय द ओवरी ड्यूरिंग ओविलेशन, इनमें से एक में एग होता है, और वो प्रोसेस जिसके थ्रू ओवरी जो है फेलोपियन ट्यूब में एग रिलीज करती है, उसको क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आगे भी आएगा और यहां पे भी आप लिख लीजिएगा, डिफाइन ओव्यूलेशन, और इसका आंसर मैं आपको आगे दूंगा कि ओव्यूलेशन का डेफिनेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन का डेफिनेशन है बच्चों के द प्रोसेस बाय विच ओवरी रिलीजेस एग इनटू द फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन आप आगे पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, ठीक है? चलिए, उसके बाद ओनली वन स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम इन द ओविडक्ट टू फॉर्म जाइगोट। क्या बनाता है भाई? मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज कर गया, फ्यूजन के बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गया है तो क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। और मैंने आपको बताया कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट होता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। हम भी कभी यूनिसेल्यूलर थे, है ना? याद रखना कि आप कभी आपको लगे कि ओहो वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो याद रखना जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ था आप भी यूनिसेल्युलर थे, ठीक है? हाँ, यूनिसेल्युलर के बाद फिर डेवलपमेंट शुरू होता है, वो मैं बताने वाला हूं, प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिएगा। मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट जाइगोट बनाता है। तो ये जो पिक्चर है ये पूरी क्लियर है आपको यहां से यहां तक? सिर्फ अभी मैंने ये बताया कि ओवरी के अंदर एग होता है, स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक जाता है, और दोनों का फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फेलोपियन ट्यूब में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, हाँ ये लिखा हुआ है ना, ये रहा इंपॉर्टेंट मार्केट इंपॉर्टेंट। हाँ जी, फ्यूजेस विद द एग इन ओविडक्ट, ठीक है? स्पर्म फ्यूजेस विद द एग इन द ओविडक्ट, तो क्वेश्चन आता है ये, फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का ह्यूमन बॉडी में कहां होता है? फेलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में, ठीक है? ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? जयंत गौड़, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो प्लीज एक बार ध्यान से इसको कर लीजिएगा। हाँ, अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे आना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं बच्चे। हाँ जी, फर्स्ट पेज क्लियर है सब लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब क्या कहा गया है सुनिएगा। द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट, जो सबसे पहला फर्टिलाइज्ड एग था, ठीक है? द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट, जाइगोट ने क्या किया? अब जाइगोट बन गया, जाइगोट यहां था बच्चों, जाइगोट यहां था, ये यहां जाइगोट था। जाइगोट के अंदर क्या होता है? यूनिसेल्युलर था, सेल सेल यूनिसेलर, एक से दो से चार, चार से आठ, आठ से डिवीजन होने लग गया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ।
जाइगोट का क्या होता है बच्चों? जाइगोट का होता है सेल डिवीजन, और इसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है इस जाइगोट में, और जाइगोट क्या बन जाता है? जाइगोट बन जाता है हॉलो बॉल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल कॉल्ड एम्ब्रियो। जाइगोट के बाद डेवलपमेंट होनी शुरू होती है जाइगोट के अंदर, और वो क्या बन जाता है बच्चों? एम्ब्रियो। सबसे पहले क्या हुआ फेलोपियन ट्यूब में? फर्टिलाइजेशन। क्या बना? जाइगोट। जैसे ही जाइगोट बनता है उसके बाद ह्यूमन नेचर, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। दो से चार, चार से आठ, आठ से दस, ऐसे सेल बनते चले जाते हैं बच्चों। और जब तो ये जब जाइगोट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है आपका? एम्ब्रियो बन जाता है। अच्छा, वो एम्ब्रियो बन जाता है ना, कहां पे बना था एम्ब्रियो? फेलोपियन ट्यूब में। अब क्या होने लगता है? एम्ब्रियो थोड़ा हैवी हो गया, अब यहां पैसेज है तो हैवी हो गया तो धीरे 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 सिंक करने लगता है, नीचे आने लगता है। कोई भी चीज हैवी होती है तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी, तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आने लगता है। और यहां पे उसका वेट कर रही थी यूट्रस वॉल्स। ये है यूट्रस, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको, ये वाला जो पोर्शन है ये है यूट्रस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ओवरी के बाद, है ना। और यहां पे आते 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 ये एम्ब्रियो दिख रहा है, ये एम्ब्रियो मैंने बनाया यहां पे, ये है एम्ब्रियो भाई साहब, ये यहां पे आ गए। ठीक है, अब ये आके यहां पे फिक्स हो गए क्योंकि नीचे जा नहीं सकते, पैसेज नैरो है थोड़ा सा, एम्ब्रियो यहां पे आके फिक्स हो गए। अब सुनिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो द फर्टिलाइज्ड एग जायगोट डिवाइड्स रैपिडली एज इट मूव्स डाउन स्लोली इन द ओविडक्ट एंड फॉर्म्स अ होलो हंड्रेड्स ऑफ सेल्स व्हिच इज कॉल्ड एम्ब्रियो। होलो बॉल, जायगोट के बाद होलो बॉल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सेल बनाने लगते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। तो पहली दो लाइन में मैंने आपको वही समझाया है। अब क्या होता है? अब एक प्रोसेस आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है बच्चों? उन्होंने कहा ना कि एम्ब्रियो सिंक्स इनटू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, एम्ब्रियो धीरे 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 नीचे आने लगता है और सिंक जहां तक ये पैसेज बिल्कुल नैरो जाता है वहां के रुक जाता है, और एम्ब्रियो सिंक्स इनटू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट। द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द थिंक लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। हैवी हो गया, नीचे आने लगा, आते 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 फिक्स हो गया, फिक्स हो गया, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इम्प्लांटेशन। क्वेश्चन लिखिएगा डिफाइन इम्प्लांटेशन, और आंसर अभी लिखना है आपने, डिफाइन इम्प्लांटेशन और इम्प्लांटेशन का ये डेफिनेशन, और यहां पे क्वेश्चन, ये जो ब्लू वाली लाइन में मैंने मार्क किया है ये है आपका इम्प्लांटेशन का डेफिनेशन। बच्चों इम्प्लांटेशन समझ में आया? जो जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में था वो जाइगोट अब फेलोपियन ट्यूब से निकल के एम्ब्रियो बनता हुआ कहां पहुंच गया है? यूट्रस की लाइनिंग्स में। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, ठीक है, फटाफट नोट करिए जरा जल्दी से, क्विक फास्ट। वंश यादव, इम्प्लांटेशन समझ में आया आपको? वेरी गुड। चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम आए तो। चैट इज नाउ विद मी, मेरे सामने है चैट तो मुझे दिख जाएगा। आर्नव सिक्का, इम्प्लांटेशन का डेफिनेशन लिखो बेटा जल्दी से। ठीक है, ये मैंने बनाया, ये था नहीं यहां पे, ये तो पहले। हाँ चलिए, शाबाश, जल्दी से बनाए बच्चों, शाबाश, क्विक। इम्प्लांटेशन का डेफिनेशन जैसे लिख दें आप तो ओपी लिखें, ओपी सर, डन, ओवर पावर्ड, पूरा हो चुका है, समझ में भी आ गया है और लिख भी लिया है ना। ठीक है, आर्नव सिक्का, ओपी या पीएस, प्लीज सॉल्व, या ओपी, ओवर पावर्ड सर, डन हो गया है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। जिसको अच्छे से समझ में आ जाए वो ओपी लिखे, ठीक है। अरे वाह, वेरी गुड, माहिर सेन, आरुषि उपाध्याय, पीयूष, बहुत सारे ओपी आ गए हैं। ठीक है, ओपी किसमें यूज होता है नो? हाँ जी, कोई बताएगा मुझे ओपी वाले? चलो चलो, अच्छा, और बच्चों का नाम लेना है क्या? रमन, रमन ओपी, सामरशील, वंशिका मिश्रा, वेरी गुड, रिद्धिमा ठाकुर, हित, हित, ये एलजी का मतलब क्या होता है भाई? नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इम्प्लांटेशन का डेफिनेशन लिख लिया, डन। अनुराधा, आर यू गेटिंग दिस? चैट बॉक्स में डाल देना अनुराधा, समझ में आया? क्योंकि ये नई क्लास है आपके लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लेकिन आना चाहिए समझ में। ठीक है, प्रीवियस लिंक्स में दे दूंगा आपको। ठीक है, अक्षता जी, योगेश शांडिल्य, मुस्कान मेहरा, प्रकृति चौहान, युवराज, वेरी गुड,
ठीक है, चलिए आगे चले हम। अब भाई एम्बेडिंग हो गई है इसकी, अब ये फिक्स हो गया है, इम्प्लांटेशन हो चुका है। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा? अब ये आ गया, अब इसको न्यूट्रिशन, खाना पानी दाना मिलना चाहिए ना भाई, भूखे पेट कैसे भजन होंगे, है ना। तो अब इसको न्यूट्रिशन की बारी आती है, न्यूट्रिशन कैसे देंगे हम यहाँ पे। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं आपको। अब क्या होता है बच्चों, सपोज ये आप देखिएगा इस तरीके से, ये यूट्रस की वॉल्स है ना? और यहां जी भाई साहब आ गए हमारे, ये आ गए हैं कौन, ऐसा होता है, ये एम्ब्रियो है ये, ठीक है। अब एम्ब्रियो जब आ जाते हैं बच्चों, तो उसके बाद शुरू होता है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स आने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनको बोलते हैं प्लेसेंटा। अच्छा, इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की खासियत है ना, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो गए, और ये पता है क्या करेंगे, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा जरा। यहाँ पे पूरा भरा हुआ है न्यूट्रिशन, मदर की बॉडी से आया हुआ है, जिसमें ग्लूकोज, ब्लड सेल्स, ऑक्सीजन, वाटर, वाटर जो भी इसको चाहिए वो। और यहाँ पे इस प्लेसेंटा के अंदर होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विलाइज आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पढ़ा था, है ना। तो ये विलाइज क्या करते हैं, इस प्लेसेंटा के अंदर, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ऐसे विलाइज हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि पूरे भाई साहब को कवर कर लेते हैं। हमारे जो ये एम्ब्रियो जी है, इनकी खातिरदारी करनी है यहाँ पे हमने, तो खातिरदारी करने के लिए खाली डिस्क लाइक, अब सुइयां थोड़ी चुभोगे उसके ना, डिस्क लाइक तो ऐसे चुभेगा उसके बेचारे के। तो ये हेयर लाइक या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, जिससे एम्ब्रियो पूरा कवर हो जाता है। क्योंकि बच्चों एम्ब्रियो के बेचारे के मुंह तो है नहीं, है ना, वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करता है अपना, है ना। अभी उसके ऑर्गन्स पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं, जब तक उसके ऑर्गन्स पूरी तरह डेवलप नहीं हुए हैं तब तक ये काम करेगा, उसके बाद फिर यूम्बिकल कॉर्ड डेवलप हो जाती है, फिर वो एक अलग चीज है। लेकिन क्या होगा कि ये जो प्लेसेंटा है, ये यहां से यूट्रस से कनेक्टेड है और इधर से एम्ब्रियो से कनेक्टेड है। प्लेसेंटा क्या काम कर रहा है बेटा, न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और ये न्यूट्रिशन देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं शीट नंबर 2 पे, यहां पे हम थे। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद अ डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप्स बिटवीन द यूट्रस वॉल एंड द एम्ब्रियो। डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू कहां डेवलप हो गया बेटा, बिटवीन द यूट्रस वॉल एंड द एम्ब्रियो, इन दोनों के बीच में, है ना, विच इज कॉल्ड प्लेसेंटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा समझ में आ गया, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। और इस प्लेसेंटा के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है, इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, विलाइज ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, जिस तरफ एम्ब्रियो होता है उस तरफ विलाइज होते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा एम्ब्रियो का सरफेस एरिया कवर हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन इजिली मिल जाए। मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन देना है, इसीलिए तो कहा जाता है जब ग्रोथ हो रही होती है मदर की बॉडी में चाइल्ड की, तो मदर को कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, जिंक की नहीं होनी चाहिए, अच्छा आयरन, विटामिन सब पूरा चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चों जो मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन होगा वही तो एम्ब्रियो को जाएगा, है ना, समझ लो मेरी बात को। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेना, ये होमवर्क है आपका, व्हाट आर प्लेसेंटा, राइट इट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अभी इसको लिखना नहीं है, आंसर नहीं लिखना, ये होमवर्क में है आपका। और यहां पे ये नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है, ये इंपॉर्टेंट नोट है यहां पे, द रोल ऑफ द विलाइज इन द प्लेसेंटा इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन और टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ कुछ डिलीट हो गया यार यहां से, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स बॉडी, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स बॉडी, फ्रॉम मदर From mother to embryo, ठीक है। Embryo को fetus भी कहा जाता है, कई बार आपने कहीं word use सुना होगा fetus, है ना। तो please इसको important line है, इसको note कर लीजिएगा।
तो रोल ऑफ विलाइज इन प्लेसेंटा, हेडिंग लगाइएगा रोल ऑफ विलाइज इन प्लेसेंटा। मैं यहां पे हेडिंग लिख देता हूं रोल ऑफ विलाइज, रोल ऑफ विलाइज। अच्छा विलाइज तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होती है, तो यहां पे लिख लीजिएगा ध्यान से इन प्लेसेंटा रोल ऑफ विलाइज इन प्लेसेंटा। ठीक है, इज इट ओके? नोट कर लिया बच्चों? यस अनुराधा, यू कैन शेयर मी इन द चैट। हाँ चलिए, तो बच्चों अब आपको यह भी पता चल गया, ये बेचारा देखिए सबसे पहले जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो आके फिक्स हो गया यूट्रस की वॉल्स में, अब उसके खाने पीने का इंतजाम भी हो चुका है। कौन कर रहा है खाने पीने का इंतजाम? प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर भी पता लग गया, डिस्क लाइक होते हैं एक तरफ जो है एम्ब्रियो की साइड में ज्यादा विलाइज होती है, होते मदर की साइड में भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां एम्ब्रियो की साइड में आपके विलाइज है जो कि सरफेस एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों ये नोट कर लिया था विलाइज, ओपी लिखिए जरा, विलाइज ओपी नोट कर लिया ना सबने? किसी ने नहीं नोट किया हो वो बताया जरा मुझे, वो लिखे पीएस पीटी प्लीज टेल। अच्छा ओपी, ओपी वाले अब ओपी वाले रुक जाओ, पीटी वाले प्लीज टेल, प्लीज स्टॉप, पीएस सब ओपी हैं, वेरी गुड, ओपी सारे हैं, पीएस कोई नहीं है। चलिए चले आगे चलते हैं, चलिए पीएस है कोई? पीएस डालें वंशिका जी, थैंक यू जी, अक्षता वेरी गुड, पीएस वाला कोई नहीं है, वंशिका समझ में आ रहा है ना बेटा? चल ओके, रेगुलर आए करो भाई जो लोग मिस करते हैं। अब सुनिए भाई ध्यान से, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है ऑन द मदर साइड। अब मदर की तरफ क्या होता है बच्चों, देखिए मैं आपको ये डायग्राम दिखा देता हूं, यहां पे ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा। चलिए ये भैया मदर साइड है, ठीक है, एम्ब्रियो है इधर, इस तरीके से होता है, मैं इसको फोटो दिखा देता हूं आपको, एम्ब्रियो इन द यूट्रस, ढंग का डायग्राम कोई आया नहीं था, इस टाइप से होता है। ये वाला डायग्राम बच्चे कह रहे थे दिखाने के लिए, ये ठीक नहीं था, पर कोई बात समझ में आ जाएगा, इससे कुछ इस तरीके से सिस्टम होता है। ये देखिए ये यूम्बिकल कॉर्ड डेवलप हो चुकी है, यहाँ पे देखिए प्लेसेंटा और ये सारा न्यूट्रिशन इसको यहां से मिलता है, यूम्बिकल कॉर्ड होती है आपने देखा होगा, तो इस तरीके से ये यूट्रस की वॉल्स में फिक्स है और इसका डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये प्लेसेंटा व्लेसेंटा सब जो है काम करना शुरू कर दिया है यहाँ पे, इज इट ओके? इतना क्लियर है? चलिए तो अब क्या होता है यहाँ पे, मेरी बात सुनिएगा, अब यहाँ पे मदर की बॉडी में ये डिस्कलाइक स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है, डिस्कलाइक स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, जब ये डेवलप हो जाता है ना पूरा ऑर्गन डेवलप हो जाता है, फिर यूम्बिकल कॉर्ड आ जाती है जिससे न्यूट्रिशन जाता है ना, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा है ना, और इस तरफ भी क्या बोल रहा है, ऑन द मदर साइड ब्लड स्पेसेस विच सराउंड्स विलाइज, ठीक है, विलाइज होती है इस तरफ भी, प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास ऑन टू द फीटस। ठीक है, तो यहां पे भी विलाइज होती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मदर की बॉडी से कहां चला जाए, फीटस को चला जाए, यहां से जा रहा है, ये देखिए मदर की बॉडी, यहां से यूट्रस वॉल्स है, इनके अंदर ग्लूकोज है, न्यूट्रिशन है, मदर की बॉडी से आया और ये कहां पे जा रहा है बच्चों, ये फीटस के पास जा रहा है। ओके, अब सुनिएगा, द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इनसाइड द मदर्स बॉडी टिल बर्थ इज कॉल्ड जेस्टेशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जब से जाइगोट बना है और जब तक वो पूरा डेवलप हो गया है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जेस्टेशन कहा जाता है। तो आपको जेस्टेशन का डेफिनेशन अभी लिखना है और मैं आपको बता देता हूं, जेस्टेशन पीरियड 9 months का होता है बच्चों अप्रोक्सीमेटली, और 34 to 37 weeks, अगर मैं वीक्स की बात करूं तो 34 to 37 weeks होता है, और अगर मंथ्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 9 months होता है, ऐसा नहीं एग्जैक्ट 9 months ही है जी, नहीं अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है, 5-10 days इधर उधर हो सकता है। ठीक है, अब दो क्वेश्चन आपके आते हैं, जेस्टेशन क्या होता है बेटा? हाँ जी बेटा, सर मैंने तो देखा था कि 9 months से भी ज्यादा हो जाता है
सर 9 मंथ से ज्यादा भी हो जाता है, 9 मंथ से कम भी हो जाता है, ठीक है, प्री मेच्योर जिसको बोलते हैं, है ना, कि पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था, चाइल्ड का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, ठीक है, तो उस वजह से तो क्या हो जाता है कि प्री मेच्योर जो है वो पार्चुरेशन हो जाता है। अच्छा लेट क्यों हो जाता है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, डिले क्यों हो जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फॉर द सेक ऑफ द हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उसको सजेस्ट करते हैं कि भाई अंदर तो इसको न्यूट्रिशन मिल नहीं पा रहा, तो हम जो है इसको इसका बर्थ करा के और इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट हम दे दें इसको, वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो वो तो प्री मेच्योर वाला केस हो गया, डिले क्यों होता है वो बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो जेस्टेशन क्लियर है बच्चों, जेस्टेशन क्या होता है, वो ड्यूरेशन जब फीटस का डेवलपमेंट होता है इनसाइड द मदर्स बॉडी इज कॉल्ड जेस्टेशन, ठीक है, इज इट ओके। चलिए, द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी अप्रोक्सीमेटली टेक्स 9 मंथ्स, और इस पूरे टाइम को क्या कहा जाता है, जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है बच्चों, जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड, समझ गए आप, हाँ जी, इतना ओके है बच्चों। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा होमवर्क के लिए, ये तो अभी लिख लो, डिफाइन जेस्टेशन, हेडिंग लिख लीजिए इसकी, और उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराने जा रहा हूं, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन एनसीईआरटी में नहीं है, आपको एग्जाम्पलर में मिलेगा पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन क्या होता है, देखिए, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से इम्प्लांटेशन हुआ, प्लेसेंटा आए, डेवलपमेंट हुआ, पूरा डेवलप हो गया, अब उसके बाद क्या होना चाहिए, अब उसके बाद बर्थ हो जाना चाहिए ऑर्गेनिज्म का, बर्थ के लिए क्या होता है वो बताने वाला हूं। पहले एक बार जल्दी से जेस्टेशन पढ़ लीजिए, जेस्टेशन का डेफिनेशन लिख लो सब लोग, जेस्टेशन का डेफिनेशन लिख के और फटाफट ओपी 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 जल्दी से, जेस्टेशन का जो डेफिनेशन लिख ले वो मुझे ओपी शेयर करे। अनुराधा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, इन विच स्कूल यू आर बेटा, ओपी, वेरी गुड अनुराधा भी ओपी, वंश यादव ओपी, आरुष उपाध्याय ओपी, चलो सारे बच्चे ओपी, बहुत बढ़िया बच्चे हैं सारे क्लास के। चलो पार्चुरेशन पे चलें, हाँ भाई, पीएस है क्या कोई, पीएस कोई नहीं है, पीएस, पीएस लिखना ही नहीं चाहते सर, बेइज्जती हो जाएगी, पीएस लिखें, प्लीज स्टॉप। अरे कुछ हमारा भी तो होता है। सारा ही पबजी का थोड़ी यूज करेंगे यार, ठीक है, चलिए ठीक है। प्रियंका, इज इट ओके, प्रियंका सर, हाँ जी बच्चे बोलिए, एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ दो पूछिए आप, बताइए जल्दी से सर, प्री मेच्योर जो बेबीज होते हैं वो सरवाइव कर पाते हैं? देखिए, एक एक लेवल होता है कि अगर सरवाइव क्यों नहीं करते हैं, सरवाइव करते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। मैं तो अपने रिलेटिव में या नोन मैंने कई देखे हैं कि वो एक्चुअली बेटा वो डॉक्टर्स जो है ना वो सजेस्ट करते हैं उस चीज को, ठीक है ना, डॉक्टर्स उस चीज को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर सपोज मेरी बात ये समझिए, अगर कुछ ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो भाई अगर हम वो उसका बर्थ हो जाएगा तो हम उसको ट्रीटमेंट देके ठीक कर सकते हैं, है ना, और अंदर जो है वो कंडीशन कॉन्स्टेंटली खराब होती जा रही है, इट्स हाँ डेंजरस फॉर मदर एज वेल, है ना, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए फिर वो प्रॉपर टेक्निक से उनको जो है वो पार्चुरेशन करा लिया जाता है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है, ठीक है, उसको जो जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी मेडिसिन है, जो भी न्यूट्रिशन देना है वो फिर आउटसाइड से देते हैं। हाँ थोड़े वीक होते हैं, वो थोड़े वीक होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स, लेकिन सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं उनके, ना वो सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब 99% केसेस में सर्वाइवल होता है उनका, ठीक है। हाँ चलिए, अब बात आ रही थी पार्चुरेशन की, ठीक है, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन क्या होता है, अब बच्चों देखो क्या हुआ कि जब ये पूरी तरीके से जेस्टेशन कंप्लीट हो गया, अब ये पूरी तरीके से जब डेवलप हो चुका है, पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, व्हाट विल हैपन, अब ये जो है ना, ये जो मसल्स है, ये जो मसल्स है, है ना, ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन, ये पुश करती हैं, अब इसको ये यूट्रस की मसल्स कहती हैं, भाई अब डेवलपमेंट हो गया, अब जाओ, ठीक है, तो धीरे 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 क्या होगा, धीरे धीरे पुश करती हैं और इट विल द ऑर्गेनिज्म विल रिलीज आउट थ्रू द बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल वजाइना ऑफ मदर के थ्रू, बर्थ कैनाल के थ्रू ये जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को पार्चुरेशन, पार्ट यू आर आई टी आई ओ एन, पार्चुरेशन, ठीक है, ड्यू टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म रिलीज आउट फ्रॉम मदर्स यूट्रस वाया बर्थ कैनाल, है ना, तो इसका जो जो बर्थ हो जाता है उस प्रोसेस को, जब मदर की बॉडी से ऑर्गेनिज्म
सेपरेट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। अब कुछ लोग कह रहे थे जी डिले हो जाता है, भाई डिले इसलिए हो जाता है कि ये सफिशियंट अमाउंट में प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाते, यूट्रस की मसल जो है ना उनका प्रेशर जो होता है इतना ज्यादा नहीं होता कि ऑर्गेनिज्म आ जाए, ठीक है, तो इट विल टेक सम टाइम, तो उसमें फिर थोड़ा टाइम लग जाता है, पर ऐसा नहीं होता कि भाई बहुत ज्यादा लग जाए, 5-10 डेज ऊपर नीचे चलता है, पर इतना नहीं कि हाँ भाई, ठीक है। हाँ वो बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें ज्यादा टाइम लग जाता है, वो रेयर केसेस होते हैं, लेकिन रीजन यही है कि ये पार्चुरेशन हो नहीं पाता इजिली, प्रेशर नहीं क्रिएट कर पा रही यूट्रस की मसल्स, ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? हाँ जी, तो पार्चुरेशन का डेफिनेशन अभी लिखना है आपको, पार्चुरेशन वाला पॉइंट अभी लिखें जल्दी से, फटाफट फास्ट, जल्दी जल्दी क्विक। तो हो जाती क्लास, हो गया, चले आगे चलते हैं, चलिए ठीक है, मे बी मूव, चले भी बच्चों, ओपी, वंश यादव, रिद्धिमा ठाकुर, मुस्कान मेहरा, असद, सक्षम सिंह, तनिष्क, तनिष्क क्लास बहुत कम अटेंड करते हो आप, आपसे बड़ी शिकायत है हमको। सर हर बार अटेंड तो करता हूँ, अटेंड करते हो पर परसेंटेज बड़ा लो दिखाता है आपका, कभी 2% कभी 1%, इतना क्यों अटेंड करते हो यार? अरे नहीं सर, पार्चुरेशन नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं, अब देखिए। हाँ जी बेटा, पार्चुरेशन एक और बार बता दो, पार्चुरेशन क्या होता है? देखिए पार्चुरेशन क्या होता है, जब ऑर्गेनिज्म बच्चों पूरी तरीके से डेवलप हो गया है, मदर की बॉडी में ऑर्गेनिज्म पूरा डेवलप हो चुका है, न्यूट्रिशन व्यूट्रिशन सब दे दिया है, उसके बाद ये यूट्रस की वॉल्स है ना जो, ये क्या करती है, उसको प्रेशर लगाने लगती है उसके ऊपर, ठीक है, प्रेशर लगाती है यूट्रस की वॉल्स, और ऑर्गेनिज्म जो है ना अब क्या होता है धीरे धीरे और नीचे आने लगता है और बर्थ कैनाल के थ्रू मदर की बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है, यानी एक तरीके का प्रेशर क्रिएट कर देती है यूट्रस की वॉल्स। कब क्रिएट करती है? जब ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान क्या होता है कि पूरी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है प्रेशर की वजह से धीरे 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 मदर की बॉडी से सेपरेट हो जाता है, इस प्रोसेस को पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है भाई, इज इट ओके, इतना क्लियर है? ठीक है भाई, पार्चुरेशन का मतलब डेवलपमेंट होने के बाद मदर की बॉडी से सेपरेट आउट हो जाना, ठीक, चले आगे चले। अब बच्चों तो ये तो पूरा प्रोसेस था, शुरू से समझिएगा, सबसे पहले ओवरी ने एग रिलीज किया, स्पर्म अंदर एंटर किया, एग और स्पर्म फ्यूज कर गए, फ्यूज कर गए, सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले जाइगोट बना, जाइगोट ने डेवलपमेंट स्टार्ट किया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो सिंक्स इनटू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, एम्ब्रियो यूट्रस की लाइनिंग में सिंक कर गया, ठीक है जी, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, और कौन बैठा है यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है, तो एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो सिंक्स इनटू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, एम्ब्रियो यूट्रस की लाइनिंग में सिंक कर गया, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, इम्प्लांटेशन के बाद न्यूट्रिशन स्टार्ट हो जाता है, पूरे 9 मंथ जब कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ऑर्गेनिज्म पूरा डेवलप हो जाता है, उसके बाद यूट्रस की वॉल्स रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन करती है और ये जो भाई साहब है ये मदर की बॉडी से बाहर आ जाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जेस्टेशन कहा जाता है और सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द मदर्स बॉडी इज नोन एज पार्चुरेशन, ठीक है, इतना क्लियर है आपको, बताएं जरा? हाँ जी ठीक है, चल
अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर अगर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज ना करें तो क्या होगा, है ना। अब मैं आपको बताने वाला हूं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, फीमेल सेक्सुअल साइकिल होती है बेटा ये, ठीक है। फीमेल सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएगी, ध्यान से समझना इसको। सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल, साइकिल क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इट अकर्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये बार बार होती है, इसलिए इसको पीरियोडिक साइकिल कहा गया है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, पता है आप लोगों को, ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं बेटा अनमेच्योर्ड एग, ठीक है, अनमेच्योर्ड एग होते हैं। जिस दिन फीमेल ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है उस दिन से ही ओवेरियन फॉलिकल्स उनकी बॉडी में डेवलप होते हैं, ठीक है, मेल्स में नहीं होते, फीमेल्स में होते हैं। अब वो ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, वो तो डेवलप होते हैं, एग नहीं डेवलप होता, याद करिएगा, याद रखिएगा इस चीज को, फीमेल की बॉडी में बर्थ के बाद से ही एग प्रोड्यूस होना स्टार्ट नहीं होता, ओवेरियन फॉलिकल स्टार्ट होते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स में क्या होता है, जैसे ही प्यूबर्टी का एज आता है, हमने प्यूबर्टी का एज पढ़ा था, प्यूबर्टी की एज के बाद हमारी बॉडी में चेंजेस आने शुरू होते हैं, फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स ब्लड में आने शुरू हो जाते हैं और मेल की बॉडी के अंदर मेल सेक्स हॉर्मोन्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स जाने शुरू होते हैं और वो ओवेरियन फॉलिकल्स के साथ कंबाइन करते हैं तो वो एग बनाना शुरू कर देते हैं, यानी कि एग फॉर्मेशन जो है वो प्यूबर्टी की एज के बाद शुरू होता है ना। फीमेल की बॉडी में ओवरी, जब एग प्रोडक्शन की कैपेसिटी कब आती है ओवरी के अंदर, प्यूबर्टी की एज के बाद, समझ रहे हो मेरी बात, प्यूबर्टी से पहले ओवरी भी एग रिलीज नहीं करती है। तो ओवेरियन फॉलिकल्स अनमेच्योर्ड एग है ना, और उसके अंदर अगर हॉर्मोन्स आ जाते हैं, कौन से हॉर्मोन, सेक्स हॉर्मोन, जो कब स्टार्ट होते हैं, प्यूबर्टी की एज के बाद, तो फिर क्या बनाना शुरू कर देती है, एग बनाना शुरू कर देती है ओवरी, ठीक है। अब एग बनना कब से शुरू होता है, प्यूबर्टी की एज के बाद से, इज इट ओके, इतना क्लियर है बच्चों, सुनिएगा जरा ध्यान से। When a girl reaches at the age of 10 to 12, यानी कि वो प्यूबर्टी की एज को अचीव करती हैं, है ना, अबाउट 10 to 11 years, द सेक्स हॉर्मोन्स रिलीज इन टू हर ब्लड causes some of the ova in her ovaries to become mature. कुछ ova जो ovarian follicles की form में थे उनको mature करने की capacity sex hormones उनको provide कर देते हैं और egg बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। पहला step clear है कि egg formation puberty की age के बाद से ही start होता है due to the combination of sex hormones and ovarian follicles. Ovarian follicles पहले से ही थी, sex hormones बाद में develop होने शुरू हुए, तो उसके बाद जब दोनों का combination हुआ तो egg बनना शुरू हुआ, ठीक है। अच्छा, usually one mature egg is released from the ovary into oviduct once every 28 days. बहुत important है ये, हर 28 days में ovary की capacity होती है कि 28 days में एक egg release करे, इतनी energy होती है उसके पास, ठीक है। तो बेटा इस process को क्या कहा जाता है, इस process को ovulation कहा जाता है। Ovary release mature egg in oviduct once in 28 days. तो क्वेश्चन आपका एक रेडी हो गया यहां से, डिफाइन ओव्यूलेशन। अब आपको ओव्यूलेशन समझ में आया, ओव्यूलेशन मैंने कराया था जब सबसे पहली लाइन अभी पढ़ाई थी तो उसमें ओव्यूलेशन आया था, है ना। तो ओव्यूलेशन का मतलब है रिलीजिंग ऑफ एग बाय द ओवरी इनटू द ओविडक्ट। ओवरी एग कहां रिलीज करती है, ओविडक्ट में। फर्टिलाइजेशन कहां होता है, ओविडक्ट में, फेलोपियन ट्यूब हम जिसको बोल रहे हैं। तो प्लीज इसका डेफिनेशन लिख ले जरा, डिफाइन ओव्यूलेशन अभी लिखना है आपको, डिफाइन ओव्यूलेशन, बहुत ध्यान से ओव्यूलेशन को डिफाइन कर लीजिएगा। क्या नेटवर्क गया, यस सामर्थशील, डिफाइन ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को डिफाइन करें और ओपी लिखें कि सर हो गया है, ओपी मींस हो गया है, डन।
लिख लिया बच्चों? अच्छा एक मैं ना आपको भी लिंक भेजूंगा बैच बी वाले बच्चों, अब मैं आपका ना तो बैच बी को ज्वाइन करना है आपने, अभी तो हमारा कंबाइंड चल रहा था बैच ए बैच बी का, तो बैच ए को तो मैं लिंक शेयर कर चुका हूँ, तो आपको अपना बैच बी वाला जो है ना टीचमेंट का, ये कॉमन बैच तो रहेगा ही, आपका बैच बी अलग कर रहा हूं मैं, तो बैच बी वाला लिंक आएगा इसके बाद क्लास के बाद, तो उसको ज्वाइन कर लेना सब लोग, मुझे रिक्वेस्ट अभी भेज देना, कल तक का वेट मत करना उसमें, ठीक है? और ये कॉमन बैच भी रहेगा, कॉमन बैच में जब कॉमन क्लास लेनी होगी तो हम इसी से लेंगे, और बैच बी वाला बैच बी में लेंगे हम, ठीक है? समझ गए? तो दोनों को ज्वाइन करना है आपने, और क्लास हमेशा बैच बी वाले से ही होगी आपकी, ठीक है? जिस दिन कंबाइंड मीट पे क्यों नहीं लेते हैं? गूगल मीट पे इसमें यार रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाती है प्रॉपरली ढंग से ना, गूगल मीट पे वो वॉइस नहीं आती है उसके अंदर, दैट्स व्हाई। ओके सर। हाँ, इसके अंदर अटेंडेंस वगैरह कभी झंझट नहीं है, सब अटेंडेंस आ जाती है मेरे पास। चलिए ओव्यूलेशन हो गया, क्लियर है? अब मेरी बात सुनना, एग आ चुका है, अब ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती क्या है सुनिएगा, सिर्फ फीमेल्स में होती है, याद रखिएगा इसको बच्चों। बिफोर ओव्यूलेशन द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। देखिए अब क्या होता है कि ओव्यूलेशन नहीं हुआ, ये यूट्रस है, यूट्रस की लाइनिंग जो है ना वो थिक एंड स्पॉन्जी होने लग जाती है। यूट्रस की वॉल्स में ब्लड वेसल्स, ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स, न्यूट्रिशन आने लग जाता है। क्यों आता है भाई ये न्यूट्रिशन? क्योंकि एम्ब्रियो आने वाला है भाई, उसकी खातिरदारी करनी है यहाँ पे इसको, है ना, उसको न्यूट्रिशन देना, उसको पाल पोस के बड़ा करना है यहाँ पे, तो ये अपने आप को रेडी करने लग जाता है। ध्यान से सुनना, बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले ही, बिफोर ओव्यूलेशन द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। थिक एंड स्पॉन्जी बन जाती है कि भैया जब आएंगे, ठीक है, तो यहां पे इसको न्यूट्रिशन देना है ना, इम्प्लांटेशन होगा और ये सब प्लेसेंटा बनेंगे, सारे काम होंगे यहां पे, है ना। हाँ, फुल ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स, तो इसके अंदर क्या क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द फर्टिलाइज एग, अपने आप को तैयार कर लेती है कि भाई एम्ब्रियो आएगा तो मुझे उसको न्यूट्रिशन देना है। लेकिन लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, अब एम्ब्रियो, अब यहां पे क्या हुआ बच्चों, यहां पे क्या हुआ कि ओवरी ने एग भी रिलीज कर दिया, यूट्रस वॉल्स ने अपने आप को रेडी भी कर लिया, लेकिन इस एग का, इस एग के साथ, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के साथ, फीमेल सेक्स सेल के साथ फ्यूज करने के लिए स्पर्म आया ही नहीं। अगर मेल गैमेट नहीं आएगा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, बताओ जरा मुझे? हाँ जी, नहीं होगा, है ना। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या जाइगोट बनेगा? नहीं बनेगा सर। जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो बनेगा? एम्ब्रियो नहीं बनेगा सर। एम्ब्रियो क्या यहां आएगा? जब बनेगा नहीं तो आएगा कहां से? और जब बनेगा नहीं तो मुझे बताओ, ये जो बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा किया हुआ था न्यूट्रिशन देने के लिए, ये किसके काम आएगा? किसी काम का नहीं होगा। और ये बच्चों क्या है, ये एक लिविंग थिंग्स है, लिविंग चीज है, ठीक है। घर में भी सब्जी खराब हो जाती है, खाने की चीजें लाते हो तो कुछ लिमिट के बाद एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना सारी चीजों पे, तो ये भी वेट करते हैं कुछ टाइम तक, इनकी भी भाई कुछ लिमिट होती है। अब जब एम्ब्रियो नहीं आया यहाँ पे, न्यूट्रिशन नहीं देना है, पीछे से कॉन्टिन्यूस मदर की बॉडी से सप्लाई आ रही है, तो धीरे 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 ये स्वेलअप होती रहती है, बड़ी सॉफ्ट सी लाइनिंग होती है आगे की, और एक स्टेज ऐसा आता है ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सारे एग्स जो डेड सेल्स होते हैं सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और मदर की बॉडी से ये सारा मटीरियल जो है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर आपने कहा सर फिर क्या होगा? भाई फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं, फिर ये खत्म हो गया, ये खत्म, फिर ये धीरे धीरे अपने आप को बनाना शुरू करेगी। क्यों? क्योंकि भाई फिर बनाना शुरू करेंगे, धीरे 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 बनाना शुरू करेंगे। अब ये पूरा थिक एंड स्पॉन्जी हो गया, फिर इसने वेट किया, फिर एम्ब्रियो नहीं आया, फिर क्या होगा, फिर खत्म, फिर मदर की बॉडी से डिस्ट्रॉय होके बाहर निकल जाएंगी ये सारी चीजें, समझ रहे हो मेरी बात को? तो यानी कि कॉन्टिन्यूसली ये प्रोसेस चल रहा है, जब तक एम्ब्रियो नहीं आएगा जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो कैसे होता है मैं डिटेल से बताने वाला हूं आपको। तो भाई ओव्यूलेशन हो चुका है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, आप देखिएगा जरा ध्यान से, अब यहां पे सारी चीजें क्लियर होने वाली है। आप सुनिएगा, इफ द एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, अब एग अगर फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, ठीक है, देन द थिक एंड सॉफ्ट इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज नो लॉन्गर नीडेड, अब इसकी जरूरत नहीं होगी, है ना। जब ये एम्ब्रियो नहीं आया तो न्यूट्रिशन किसको दे, तो और वो सेल जो अंदर थे बेचारे ने संभाल के रखे हो तो सब डेड हो गए, फूड मटेरियल एक्सपायर्ड, तो वेस्ट हो गया। सो द थिक एंड सॉफ्ट इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस
along with the blood vessels and the dead eggs, and the dead eggs, egg भी dead हो गया ना जो यहाँ था, comes out of the vagina in the form of bleeding called menstruation. Menstruation, ठीक है? तो question एक बन जाता है यहाँ से छोटा सा, define menstruation. अभी मैं यहाँ पे इसको समझाने वाला हूँ. तो यानी कि ये आपको समझ में आ गया कि भाई जब तक ये मटेरियल का बॉडी से बाहर निकलना, जो मटेरियल यूज में नहीं आया उसका बॉडी से बाहर निकलना इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन इसको बोलते हैं. अब देखिए इसकी इसकी प्रोसेसिंग समझिएगा. अब मेरी बात जो है ना वो बहुत ध्यान से समझना. सपोज, हाँ सपोज यहां पे मैं यहां से शुरू करवा रहा था इसको, हाँ सारी चीजें समझ में आएंगी. तो एक इसको हटा देते हैं. यहां पे देखिए, मेंस्ट्रुएशन यूजली अकर्स 14 डेज आफ्टर द ओव्यूलेशन एंड यूजली लास्ट फॉर 3 to 5 days. अब देखिए ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन का मतलब एग आ गया, एग यहां पे आ गया. अब एग ने यूट्रस को कहा भैया मैं तो आ चुका हूं, ठीक है, एग ने कहा यूट्रस को मैं आ गया हूं. यूट्रस ने कहा वी आर वेल प्रिपेयर्ड, आने दो एम्ब्रियो को. अब क्या हुआ बच्चों, इन्होंने वेट किया है ना, तो ओव्यूलेशन के 14 डेज तक वेट किया इन्होंने, 14 डेज तक कोई एम्ब्रियो नहीं आया, 14 डेज इसमें जो मटेरियल था उसकी एक्सपायरी वो खत्म हो गए, डेड एग सेल जितना न्यूट्रिशन था बेचारों ने यूज कर लिया, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन हो गया, यानी कि ये सारे जो सेल्स वगैरह थे सब बॉडी से बाहर चले गए, ठीक है जी. अब हो गया, उसके बाद 3-4 days तक, 3 to 5 days तक चलता है, तो धीरे 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 जो भी मटेरियल होता है सब बॉडी से बाहर चला जाता है, मदर की बॉडी से, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, 3 to 5 days के बाद सब नॉर्मल हो गया. उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद अब यहां पे देखिए, मैं यहां पे मेंस्ट्रुएशन लिखने वाला हूं, मेंस्ट्रुएशन. अब मेंस्ट्रुएशन के बाद, अब उसको मेंस्ट्रुएशन के 14 डेज के बाद ओव्यूलेशन होगा. मेंस्ट्रुएशन हुआ 3 to 5 days में, क्लियर हो गया सारा. उसके बाद अब क्या होता है, अब जो है ना एकदम से एग नहीं आ सकता. अब बच्चों यहां बताओ, यहां कुछ प्रिपरेशन है, यहां मटेरियल तो है नहीं. अगर सपोज एग यहां हुआ इस दौरान, मेंस्ट्रुएशन जस्ट हुआ है, ध्यान से सुनना, मेंस्ट्रुएशन जस्ट हुआ है और एग यहां पे है, स्पर्म आ गया, फ्यूजन हो गया, अब एम्ब्रियो आएगा तो बेचारे को क्या खिलाएंगे, कुछ है ही नहीं, मटेरियल ही रेडी नहीं है. तो अब ये यूट्रस की वॉल्स कहती है कि भैया ओवरी, बहना ओवरी रुक जाओ, है ना, तो रुक जाओ, हम क्या करते हैं, हम यहां पे पहले यूट्रस की वॉल्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, धीरे धीरे मटीरियल इकट्ठा करते हैं, मटीरियल इकट्ठा करने के लिए इसको कितने दिन का टाइम चाहिए, सारा मटेरियल जो रेडी हो गया ये 14 डेज में इसने तैयार कर लिया. अब ये कहता है कि अब ओव्यूलेशन कर दो, अब हम रेडी हैं. अब ये क्या करता है, 14 डेज के बाद, अब 14 डेज में प्रिपेयर हो गया, एग आ गया यहाँ पे. अब एग क्या करेगा, एग फिर 14 डेज तक वेट करता है. अब 14 डेज तक इसकी लाइफ होती है और फिर 14 डेज में ये खत्म. ओके, तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, एक मेंस्ट्रुएशन से दूसरे मेंस्ट्रुएशन का गैप कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया, मेरी बात सुना, 14 डेज ये और 14 डेज ये, कितना गैप हो गया, 28 डेज. अब एक बच्चे का क्वेश्चन था मेरे से, एक बच्चे का क्वेश्चन था, सर इस दौरान अगर स्पर्म एंटर्स द बॉडी, अगर स्पर्म एंटर करता है, स्पर्म एंटर करता है तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, भाई एग तो है ही नहीं, एग तो कब आएगा, एग तो इस दौरान आएगा, एग तो इन लास्ट वाले 14 डेज में अवेलेबल है, एग तो यहां अवेलेबल है, यहां स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है. मेंस्ट्रुएशन के 14 डेज बाद तक अगर एग स्पर्म अगर एंटर करता है तो उसको एग नहीं मिलेगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. लेकिन मेंस्ट्रुएशन के 14 डेज बाद 15, 16, 17 आगे चलता रहेगा, ठीक है, तो उन डेज के अंदर अगर अब यहां पे 15th डे के बाद अब एग अवेलेबल है तो अब फर्टिलाइजेशन हो सकता है. तो फर्स्ट 14 डेज में नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, हाँ ये याद रखना, एक बड़ी काम की चीज है, ठीक है. और ये जो है ये फर्टिलाइजेशन होगा यहां पे, इज इट ओके बच्चों, ठीक है. और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कॉन्टिन्यूसली मेंस्ट्रुएशन होगा, फिर ओव्यूलेशन होगा, फिर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर 14 डेज के टाइम में ओव्यूलेशन, 14 डेज तक वेट करेगा, फिर हो जाएगा. कॉन्टिन्यूसली एवरी 28 डेज के बाद ये प्रोसेस चलता रहता है. दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज पीरियोडिक साइकिल इन फीमेल्स, ठीक है. हाँ,
आफ्टर मेंसुरेशन, देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन बताने जा रहा हूं, आफ्टर मेंसुरेशन इज ओवर द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिल्डिंग अप अगेन अगेन, उसका काम तो दोबारा से शुरू हो जाता है भाई, इसको तो दोबारा से वेट करना है कि नया एम्ब्रियो आएगा, ठीक है, एंड अगेन सो दैट इट मे बिकम रेडी टू रिसीव द नेक्स्ट एग इन केस इट गेट फर्टिलाइज, ठीक है, अगर वो फर्टिलाइज होता है तो वो रेडी है, अगर फर्टिलाइज नहीं होता तो फिर अगेन से मेंस्ट्रुएशन ये सब मटेरियल बाहर निकल जाएगा मदर की बॉडी से और फिर दोबारा से ये बनाना शुरू कर देंगे। इज इट ओके बच्चों, इतना क्लियर है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद बस ये पूरा आज मैंने इतना ही काम कराना था आपको, ठीक है, तो प्लीज ध्यान से इसको देखें, ये वाला डायग्राम बना ले जरा, मेंस्ट्रुएशन 14 डेज पर एंटर नो फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुएशन के 14 डेज के बाद क्या होता है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद 14 डेज तक वो वेट करता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है यहाँ पे, अगर फिर एग नहीं आता, फिर अगर एम्ब्रियो नहीं आता तो फिर क्या हो जाएगा, फिर मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, ठीक है, इज इट ओके, ये 28 डेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, प्लीज नोट कर लीजिएगा इसको, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम मेनार्क मेनोपॉज, यू हैव सम टाइम और नॉट, व्हाट इज द टाइम बच्चों, अभी नहीं, चल ठीक है, बस 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 नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा आपका ये, ठीक है।